हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको ले जाने वाला हूं नरेंद्र नगर, जो कि टिहरी गढ़वाल में है और बहुत ही खूबसूरत जगह मानी जाती है। आखिर क्या खास है यहां के बारे में, ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस व्लॉग के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। हमारी जर्नी शुरू होती है ऋषिकेश से। ऋषिकेश पहुँचने के लिए आप आराम से बस से आ सकते हैं, ट्रेन आप ले सकते हैं, और जॉलीग्रांट हवाई अड्डा यहाँ पर पास में पड़ता है, वहाँ पे भी आप उतर सकते हैं अगर आप फ्लाइट से आते हैं। यहाँ से शुरू होती है हमारी आगे की जर्नी नरेंद्र नगर की। नरेंद्र नगर काफ़ी खूबसूरत माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ की सुंदरता वाकई में मन को मोह लेती है। और नरेंद्र नगर के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको आज देखने को मिलेगी। आपको बता दूँ कि नरेंद्र नगर का इतिहास राजाओं से भी जुड़ा हुआ है। नरेंद्र नगर दोस्तों उत्तराखंड का एक छोटा सा नगर है जो खुद में एक बड़ा इतिहास समेटे हुए है। और दोस्तों, ये ऋषिकेश से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित है और ये एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। और ये 1903 में पहली बार चर्चा में आया था, जब तत्कालीन टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने अपने राज्य की राजधानी प्रतापनगर से हटाकर नरेंद्र नगर को बनाने का फैसला किया। और दोस्तों, टिहरी रियासत की जनता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समांतर टिहरी रियासत में भी राजशाही से मुक्ति के लिए संघर्ष करती रही। दोस्तों, ये नरेंद्र नगर है और नरेंद्र नगर का ये मार्केट है, एक छोटी सी मार्केट मानी जाती है जहाँ आपको हर तरीके का छोटा मोटा सामान मिल जाता है। पुरानी दुकानें हैं कुछ, आज की नहीं, बहुत पुरानी दुकानें हैं और अभी भी इनका जो मॉडल है पुराने तरीके से बना हुआ है। नई नगर की पहचान है इस तरीके से कि लोकल मार्केट आप कह सकते हो। और हाँ, छोटी मोटी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि यहाँ से लोकल मिल जाती है। ये सामुदायिक भवन कम्युनिटी हॉल जहाँ पे अक्सर सारे प्रोग्राम होते हैं, ये सामुदायिक भवन है नई नगर। हाँ, रामायण और कई प्रोग्राम होते हैं, बैठने की व्यवस्था है क्योंकि छोटा है नरेंद्र नगर, इसलिए उस हिसाब से गैदरिंग जो है वो भी कम लोगों के हिसाब से है। बट फिर भी कम से कम मिनिमम 500 लोग यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। कोई भी अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे, प्रांगण काफ़ी बड़ा है, इतना छोटा आप समझ के बैठे उतना छोटा नहीं है। तो बहुत अच्छी जगह मानी जाती है नरेंद्र नगर को। हालांकि यहाँ पे समस्याएं वही जो पहाड़ों में होती हैं वो नहीं है, समस्याएं यहाँ पे भी बिल्कुल दिल्ली वाली हैं। जिस तरीके से दिल्ली में जो जो चीज़ों की दिक्कतें होती हैं, पैच अगेन। दोस्तों, ये सामुदायिक भवन है, यहाँ पर अक्सर रामायण कला और कई जो भी नेता वगैरह आते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर इस भवन को बनाया गया है, जो कि आम लोगों के काम भी आता है। यहाँ पर संस्कृति जो उत्तराखंड की है उसको प्रदर्शित किया गया है, जो हमारे लोक सांस्कृतिक है, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। वैसे में आप ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिलर डाल के छोड़ दिए, बकायदा फ्लोरिंग भी अच्छी हो रखी है, इवन ऊपर का डिज़ाइन भी बहुत ही बेहतर है। लगेगा नहीं कि आप पहाड़ों में, बट फिर भी बहुत अच्छा बना रखा है। नरेंद्र नगर आए और भगवान शिव का जो सवारी है उसको ना देखे तो फिर बात ही नहीं है। भगवान शिव का वाहन माना जाता है मंदिर, और यहाँ पर एक बड़ी प्रतिमा मूर्ति आप समझ सकते हैं वो स्थापित की गई है। स्कूल
गौ माता जी हमारे साथ, और गौ माता के साथ हम जय हो गौ माता अपने आप आई हैं। ये हमारी माता हैं और यार का बड़ा बहुत सही होता है। जय गौ माता, मारना मत प्लीज, बस ठीक है, ऐसे नहीं मारती है, उत्तराखंड की गाय बहुत प्यारी होती है। तो गौ माता के दर्शन भी आप मेरे साथ कीजिए। गौ माता जी प्लीज 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 प्लीज। पूरी बच्चे भी हैं, खुश भी है काफी स्वच्छ नई नगर, अपने आप में काफी स्वच्छ नगर माना जाता है, नगर ही कह सकते हैं, पीछे नगर लगा हुआ है। ये लोकल मार्केट आप देख रहे हैं सबसे बात, इसके अलावा